नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पटना में पिछले दिनों जो तमाम सफाई कर्मी थे नगर विकास नगर निकाय के, वो सब काफी आक्रोशित थे। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया था, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। इसको लेकर जो है वह नगर विकास विभाग जागा और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक फैसला लिया था उस फैसले पर रोक लगा दी। यानी ये कहा गया था कि जो भी नगर निकाय है उसके जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, सफाई कर्मी है, वो सफाई का काम फिलहाल नहीं करेंगे। तो इस फैसले के विरोध में लोग सड़क पर आ गए थे और जमकर प्रदर्शन भी हुआ था। तमाम तस्वीरें हेडलाइंस बिहार ने आप तक पहुँचाई थी। तो उसके बाद जो है फिर कुछ देर बाद से ही विभाग की तरफ से ये आदेश भी आ गया कि जो फैसला लिया गया था उस पर 31 मार्च तक रोक लगा दिया गया है। अब इसको लेकर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा क्या कुछ कहते हैं, पहले आप सुनिए। इसका पत्र हमारे जो सचिव हैं उन्होंने हर जगह निकलवा दिया और तत्काल पूरे बिहार के अंदर जो हमारे कर्मचारी डेली वेजेज पर थे उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया और एक दो दिन तीन दिन के अंदर हम लोग बैठ करके इस पर करेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग न्यायालय का भी सम्मान करते हुए इसका विकल्प कैसे होगा। लेकिन मैं आप मीडिया के द्वारा उन सभी कर्मचारी भाइयों को यह संदेश दे रहा हूं कि उनके साथ किसी तरह का कोई ऐसा अन्याय नहीं होगा जिनके लिए उनको हड़ताल करने की ज़रूरत हो या उनको कोई परेशानी हो। इसके विकल्प को न्यायालय के आदेश को मानते हुए इसका विकल्प निकाल करके उनको भी संतुष्ट किया जाएगा। तो आपने सुना, ये नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ भी हुआ है लेकिन इस पर विचार करने की जरूरत है, हम लोग मिलकर इस पर विचार करेंगे तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि नाराज तो तमाम कर्मी थे, सफाई कर्मी वो हुए थे और वो लगातार काफ़ी हजारों की संख्या में उन्होंने पटना में प्रदर्शन भी किया था, मौर्य लोक को घेर लिया था और मृत जानवर को भी टांग कर प्रदर्शन किया था। तो कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी इस विरोध प्रदर्शन की। पटना की जो हालत थी वो बेहद ख़राब हो गई थी गंदगी को लेकर, क्योंकि सफाई कर्मी जो है वह सफाई नहीं कर रहे थे। तो उस आदेश के खिलाफ लोग काफ़ी आक्रोशित थे, जिस आदेश में कहा गया था नगर विकास की तरफ से कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनसे सफाई का काम नहीं लिया जाएगा, उनसे उन पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद वो लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए थे। पिछले दिनों 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल भी किया था। तो तमाम चीज़ों को लेकर सुरेश शर्मा ने कहा कि तमाम चीज़ों को लेकर अब हम इस पर चर्चा करेंगे और आने वाले वक्त में इस पर क्या कुछ होता है तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।